واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا مخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والاصال ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يا الأعراف، عرفك اخري ايتها. दो सौ से लेकर दो सौ छ तक इस पर शुर आराफ मुकम्मल हो रही है इसका तर्जमा यह है कि और पैगम्बर जब तुम उनके सामने मुजजा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने ये मुजजा खुद अपनी पसंद से क्यों न पेश कर दिया कह दो मैं उसी बात का इतबा करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वही के जरिए मुझ तक पहुंचाई जाती है यह कुरान तुम्हारे रब की तरफ से बसीरतों का मजमु है और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए हिदायत और रहमत और जो कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो और अपने रब का सुबह शाम जिक्र किया करो अपने दिल में भी आजजी और ख़ौफ के जज्बा के साथ और ज़बान से भी आवाज़ बहुत बुलंद किए बग़ैर और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए याद रखो कि जो तुम्हारे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकबर करके मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बी करते हैं और उसी के आगे सजदा रेज होते हैं शरा आराफ़ के अंदर अल्लाह तबारक ने बहुत से सब्ब्या कराम अलीतलाम के वाक़ात भी बयान फरमाए हैं और उनके इनकार करने वालों का अंजाम भी बताया है और ख़ुद नबी करीम सरवर आलम सल्ह वसलम जो अहले अरब को दावत दे रहे थे उसके मुकाबले में अहले अरब की तरफ से जो मुखालफतें पेश आ रही थी उनका भी जिक्र है और उसमें क्या रवैया आपको इख्तियार करना चाहिए उसकी भी तश्री फरमाई गई है पिछली आयतों में अब उन मुनकिरीन और काफिरों का एक और मुतालबा इन इत में जिक्र किया गया है और उस मुतालबे के जवाब में क्या तर्ज़ अमल नबी करीम वसल्लम को इख्तियार करना चाहिए और क्या मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए उसकी तश्री फरमा कर कुछ उस असूली हदायत अत फ़रमाई है जो सारे मुसलमानों के लिए सारी ज़िंदगी मिशल रा है उनकी जो एक गुमराही का एक हिस्सा था वो ये था कि नबी करीम सरवर वालम सल्ला वम को लता ने बेशुमार मौजात अता फ़रमाए जैसे कि दूसरे तुसे के राम को अता हुए और इतने ज़्यादा हैं आपके मज़दात कि उसके ऊपर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं सती के अल्साफ़ब्रा कई जल्दों में इसी मौजू पर है इमाम नायम स्ानी की हलियत दलाइलबूबा और इमाम बहकी के दलाइलनबूवा ये इस सब इसी मौजू पर है मौजूद इसमें रसूल करीम सलोल्ला के महजाद बताए गए लेकिन चूंकि कुफ़ार अरब और ख़ास तौर से मुश्किन मक्का उनको ईमान तो लाना था नहीं पहले ही सतह था तो वो हर रोज़ एक नए मौजे का मतालबा करते थे कि हमें बड़ा मुजे दिखाओ जिसका जिक्र शोरे बनी इसराइल में अल्लाह तार ने उनकी तफसील से जिक्र भी किया है कभी तो कहते थे कि हमारे लिए आ, सोने निकाल दो कभी कहते थे सुरंगे ऐसी हो जाएं गरत एक से एक मतालबे पेश करते थे नबी करीम सरवर उनके जवाब में कहते थे कि भाई मौजा देना मेरे कोई मैं तो मैं तो कोई पैगम्बर हूँ मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं कि मैं खुद अपनी तरफ से कोई मौजा दिखा दूँ उसी कस्म का ये एक सवाल जवाब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वे आन कालू लवोलज तबई तहा जब आप उनका मुंह मांगा मोजदा नहीं लाते यानि उसका उनका ये मतलब है कि जो हमारा मांगा मौजा है वो लाएं जब नहीं लाते तो वह कहते हैं कि लउुलज लग तबई तहा तुमने खुद ही अपनी तरफ से क्यों ना पेश कर दिया यानी जब तुम रबी बनाए गए हो तो फिर तुम्हारे अख्तियार में यह होना चाहिए खुद जब चाहो, तो खुद अपने अख्तियार से कोई मोजरा पेश कर दोन ने और इससे पहले शायद, शायद, शायद ने किया है क्यों ना छांट लाया तू अपनी क्यों ना छांट लाया तू अपनी तरफ से यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मौजे हो सकते थे उनमें से छाट कर आप खुद अपनी तरफ से इख्तियार करके हमें कुछ मौजे दिखा देते तो कुल इन नवा उनसे जवाब में कह दो कि मैं तो उसी बात का इतवा करता हूं जो मेरे रब की तरफ से वही के जरिए मुझे पहुंचाई जाती है तो मैं ना कोई अपनी तरफ से कोई दावा करता हूँ ना अपनी तरफ से कोई दलील पेश करता हूँ ना अपनी तरफ से कोई मज़ा पेश कर सकता हूँ जो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है उसी पर अमल करता हूँ लिहाजा ये तुम्हारा मुतालबा कि कोई और मज़ा तुम्हें अपनी तरफ से पसंद करके मैं छाट के ले आऊँ तुम्हारे लिए तो ये बेकार हूँ और अगर तुम्हारी जहन में कबूल हो और माकूलियत हो तो ये कुरान ही क्या क्या मजरा है चुनाच फरमाया कि हाजा बसायर मबिक बदम व रहम ये बसीरतों का मजमु है जो तुम्हारे परवरतिकार की तरफ से आया है और हिदायत है और रहमत तीन सिफतें बयान की कुरन करीम एक बसायर बसायर जमा है बसीरत की और निकला है बसर से बसर आँख को कहते हैं, और आंख ही की जो देखने की कुत है उसको बसारत कहा जाता है उसी से बसीरत भी निकला है और माना उसके यह है कि आंख से कोई चीज जब आदमी देख ले तो उस आँख से देखी हुई चीज का तस्वुर करके उससे किसी हिदायत के और इबरत के नतीजे पर पहुंचे तो वो दिल की आंख उसको देख रही होती है। उसको बसीरत कहते आसमान देखा जमीन देखी देख ली उससे कोई तबीयत पर असर ही नहीं हुआ फिर उतना बचा कि आसमान है ये जमीन है ये चांद है ये सूरज है लेकिन जब आदमी इस आंखों से देखी हुई चीज के हकीकत पर गौर करके किसी नतीजे तक पहुंचे कि ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई किसी पैदा करने वाले ने पैदा किया तो ये बात जब उसको देखकर जो ये बात हासिल हुई ये बसीरत जो जो एतबारबरत की निगाह से देख सबक लेने की निगाह से देख उसको कहते हैं। तो फरमाया कि कुरान में हमने तुम्हारे सामने बसीरतों का एक जहान अता फरमाया उसका हर लफ्ज उसका हर कलेमा उसका हर जुमला वो एक तुम्हारे दिल के लिए रोशनी का सबब है। इस तरह बसारत ज आ रोशनी अता करती है इसी तरह बसीरत दिल की रोशनी इसी इसी है कुरान जो है दलाइल ही दलाइल पर मबनी आतवार की त बसीरत जो होती है वो जब किसी सही नतीजे तक पहुंचाती है तो वो क्या होता है वो उसके लिए एक दलील बनती है हकीकत तक पहुंचने के लिए तो तुम जो मांग रहे हो मौजदा मौजदा तो मांग रहे हो किस लिए मेरी रबूत की दलील के लिए अल्लाह की तोहिद की दलील के लिए मौजदा मांग रहे हो तो वो एक मौजदा दिखाऊंगा तुम्हारे ये यहाँ मौजे मुआवजे हैं ये कुरान जो है ये दलाइल का मजमु है और अगर देखो तो मुआवजे के माना में लो इसको तब भी ऐसा है कि कुरान पूरा का पूरा भी मौजूदा है उसकी हर सूरत भी मौजदा है उसकी हर आयत भी मौजदा है क्योंकि ये कहा ना एक सूरत भी बना के लाके दिखा दो अगर तुम्हें कुदरत है तो तुम्हारा मालूम छोटी से छोटी सूरत भी मौजदा है तो तुम एक मुजा मांग रहे हो या तो मुर्जों का जहान है कुरान के अंदर तो तुम्हारे परवरिगार मरत वहुदन और ये हिदायत का सामान के अगर तुम पर इसके जरिए देखोगे और सोचोगे तो हिदायत मिलेगी अब आगे फरमाते हैं उन लिखाओ में यो और ये रहमत है उन लोगों के लिए कौमी जुबिन जो जो ईमान रखने वाले तरतीब यूं है कि पहले दलील आती है दलील के नतीजे में आदमी सही रास्ते पर पहुंचता है और सही रास्ते पर जब पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें पहले बसायर यानी दलायर उसका नतीजा क्या बना हिदायत हुदा और जब हिदायत हासिल हो जाती है तो फिर बारी रहमत का मोरद बनता है वो तो यह कुरान इन सब चीजों का मजबूह है अलबत् तुम समझते इसलिए नहीं हो तुम्हारी अकल मैं ये बातें इसलिए नहीं आती कि गौर से सुनते ही कहाँ कुरान को और से सुना कब तुमने तुम तो ये कहते हो कि बलगौ फ़ी लाल तकलीफ हो जब कुरान तुम अपने साथियों से कहते हो कुरान जब तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो ज़रा गुल मचा दिया करो ताकि उसकी जो बातें सुनने में ना आए तो तुम तो सुनते ही कहां हो जिसके नतीजे में तुम्हें कुरान को अग्का होना वाले लिहाजा सुन के तो देखो अल जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको गौर से सुनो इस्तेम एक होता समय तो के माने सुनना और एक होता इस्तेमाल इससे के माना कान लगा कर सुनना तोज्जो देकर सुनना तो जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो कान लगा के सुनो तु और खामोश रहो एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है सुन भी रहे हो और अपना भी शोर मचा रहे हो अपनी बातें कर रहे हो तो कैसे उसका तुम्हारे ऊपर असर होगा लिहाजा सुनो भी कान लगाकर और खामोश रहो लालकुमर उसका नतीजा होगा कि तुम पर रहमत होगी ये जो हमने कहा था ना न तो बसायरह कौमी ईमान आएगा तुम्हारे सुनने से खामोश रहकर सुनने से गैर जानबदार होकर सुनने से उसके नतीजे में तुम्हारे पर रहमत होगी लाल ये जो ऐत करीमा है जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो यह इस सिया में जो मैंने अभी अर्ज किया इसमें खिताब तो हो रहा है मुशरकिन को जो कुरान को ज़्यादा नहीं मान रहे थे और नए नए मौजात का मुतालबा कर रहे थे लेकिन जैसा कि बार बार अर्ज किया जा चुका है करीम का ये उसलूब है कि कोई आयत वो किसी ख़ास सियाक में या खास पस मंजर में नाजिल हुई हो लेकिन उसके अल्फाज जब आम रखे जाते हैं तो वो सिर्फ उसके साथ मखसूस नहीं रहते जिस वाक़े के साथ जिस पर बुलाते उस पर वो लाते बल्कि अमूमी हुकूमत है तो अगर चाहे तो इस सयाक में के काफिरों से कहा जा रहा है कि भाई तुम सुनगे तो देखो गौर से तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा मोर्चा है लेकिन ये इख्तियार किए गए हैं और फस्तमू ये पूरी इंसानियत को खतार है तो काफिर भी हैं अगर मुसलमान भी लिहाजा इसकी वजह से कई फ़ीरी मसाइल भी मुस्तमत होते हैं कि जब क़ुरान पढ़ा जा रहा हो तो आदमी को खामोश रहना चाहिए सुनना चाहिए खामोश रहना चाहिए अब जगह ये सुनना वाजिब है बाद जगह मुस्तहाब है वाजिब कहाँ है जैसे नमाज के अंदर जब नमाज में इमाम तिलावत कर रहा है तो उस वक्त में उसको गौर से सुनना और खामोश रहना वाजिब है मैं इस की बहस में नहीं जाता कि मैं में क्या और का हुए क्या अख्तिलाफ है लेकिन इस बात पर सब मुतफिक है कि जिस वक्त इमाम जाहिर कर रहा है यानी जोर से तिलावत कर रहा है उसके साथ साथ पढ़ना जायज नहीं किसी के रिजिक जो हजरात इमाम के बीच कराते पाते हैं के कायल हैं, वो भी ये कहते हैं जब इमाम सख्ता करे तो फिर वक्त पढ़े ये नहीं है कि इमाम के साथ साथ पढ़ते चलिए लिहाजा उस हालत में जबकि नमाज है तो उस वक्त में सुनना और खामोश रहना वाजिब है दूसरी सूरत ये होती है कि कोई शख्स अपने तौर पर तिलावत कर रहा है तो आया जो आसपास के लोग हैं उनके जिम्मे वाजिब है कि वो उसको बैठ कर सुने बास पकाए के राम तो कहते हैं हाँ, उनके लिए वाजिब है लेकिन मतद रिवायात अदीस आसार सहाबा उनकी रोशनी में जो बात सही है वो ये है कि कान लगाकर सुनना और खामोश रहना सिर्फ उन जगहों पर वाजिब है जहां कुरान को सुनाने के लिए ही पढ़ा जा रहा हो जैसे नमाज खुतबा दावत तबरी और अगर कोई शख्स बतौर खुद तलावत कर रहा है या एक जगह पर कई कई आदमी बैठे तलावत कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों के जिम्मे सुनना वाजिब नहीं खामोश रहना वाजिब नहीं अब हजूर अब्लम तजुद के वक्त में रात में तिलावत फरमाते थे और साथ ही अजवाज मतहरात का सोना भी साबित है तो इससे मालूम हुआ कि अगर वाजिब होता तो वो उनको सोने ना दिया जाता इसी तरह आपने एक मरतबा सफ़र के दौरान फरमाया पड़ाव डाला हुआ था तो वहाँ पर फरमाया कि मैं अपने अच्छारी साथियों को रात के वक्त उनकी तलावत आवाज़ों से पहचान लेता हूँ कि उनकी ख़ीमें किस तरफ़ है। तो इसमें रसोल करीम ने उनको ये नहीं मना फ़रमाया कि भाई तू बुलंद आवाज़ से करात कर रहे हो दूसरों लोगों में वाजिब हो जाएगा इस वास्ते फ़काह कर राम ने कहा कि इसमें गुंजाइश है लेकिन बेहतर यही है सबके नती कि नमाज़ से बाहर भी जब कहीं से तिलावत की आवाज़ आए तो इंसान उसको कान लगा कर सुने और खामोश रहे और इसीलिए फ़काय राम ने ये भी फरमाया है कि जहाँ लोग अब सोने में या अपने कारोबार में मशगूल हों वहाँ तिलावत करना मकरू है नामनासिब है बाजार के अंदर लोग अपने खरीदो फ़ोरों को मशगूल हैं आपने जा तिलावत शुरू कर दी वह एक तरह से उनके जिम्मे लाजिम कर दिया कि वो वो सब काम छोड़ें तुम्हारी तिलावत सुने तो इस वास्ते ऐसे मौक़े पर तिलावत से मना भी किया गया तो इससे पता चला कि जो तिलावत क़ुरान जो है लाउड स्पीकरों के ऊपर खुली हुई है रात दिन तिलावत हो रही है तो अब वो दूसरों तक पहुंच रही है उनकी नींद में खलल आए उनके कामों में खलल आए इसकी परवाह नहीं दूसरे अगर वाजिब नहीं तो मुस्ताहब तो है ना कम अज कम मुस्ताहब और मसनून तो है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो दूसरा सुने तो आपकी तरफ से जब तिलावत बुलंद आवाज़ से लाउड स्पीकर पर पूरे महल में आप उसकी आवाज़ गूंज रही है तो एक तरह आपकी तरफ से मुतालबा हो गया कि लोग अपने कारोबार बंद करें सोने वाले जाग जाएं और हमारी तलावत सुने और वो तलावत भी ऐसी मामूली तलावत नहीं वो उसमें लहजे और उसमें करात और मख्तल कस्म के उसलूब बरते जाते हैं तो ये कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं है बल्कि बाद सूरतों में अगर लोगों को उससे तकलीफ़ पहुँचे तो गुना है अब आगे जब ये बातें हो गई कि क़ुरान से बसीरत भी मिल गई हिदायत भी मिल गई अल्लाह की तरफ से रहमत भी आ गई अब तुम क्या करो तो अब यह कि बस को रब का फी नफ्स का खीफत रब का फी नफ्स का तजर व खीफा बदून बिल अब क्या हुआ कि हदायत तो आ गई और थोड़ा बहुत उसके मुताबिक काम भी शुरू कर दिया और मुसलमान भी ईमान ले आए उनके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नज़ुल भी शुरू हो गया लेकिन इसकी बका के लिए ज़रूरी है इस सूरत हाल की बका के लिए ईमान की बका के लिए अमर साले के बका के लिए अल्लाह तारफ़ से रहमतों के नज़ुल के बका के लिए ज़रूरी है कि अपने परदेगार को याद करो अपने परदेगार का जिक्र करो फी नफसिका फी नफसिका के दो माना एक ये कि दिल ही दिल में करो चाहे जबान पर हरकत ना हो और एक ये कि तन्हाई में करो ये दूसरे माना ज़्यादा राजे हैं यहाँ पर बस को रब्बा का फी नफ तो क्योंकि आगे आ रहे तजरवान आजी के साथ तो आज जी जो होती है वो जबान से जिक्र करने में होती है आमतौर पर इसलिए यह यहाँ पर जिक्र फिर का से मुराद तन्हाई में इससे पता चला कि जिक्र जितना तन्हाई में होगा उतना ही अपना फ़ायदा देगा और जितना मजमे में होगा तो उसमें बहुत से खतर शामिल हो जाएंगे अगरचे जायज़ है बहुत सारे मजमा बैठ के साथ जिक्र करता है तो जायज़ तो है लेकिन मजा तो तन्हाई में है बस को रब्बा का की नफ्स का मजा इसमें है कि बंदा हो और उसका अल्लाह हो तीसरा कोई सुनने वाला ना हो मैं क्या कर रहा हूँ किसको पुकार रहा हूँ किस तरह पुकार रहा हूँ किसी को पता भी ना चले म्याने आशुक व माशूक रमजेस किराम कातबी हम खबर नहीं तो इस तरह जो ज़िक्र होता है उसमें उसकी तसीर उसकी लज्जत उसकी उसके फ़वाद इजतमाही जिक्र के मुकाबले में ज़्यादा शुरू में बात ऐसा होता है किसी को आदि बनाने के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा लिया गया इस्तेमाल लेकिन आखिरकार तो वही है मत को रब का ही नफसी का तन्हाई में करो अपने अल्लाह को याद दूसरों के सामने करोगे कहीं उसमें व रिया का शायबा आ जाएगा कहीं नामा नमूद का आ जाएगा कहीं तारीफ पसंदी का आ जाएगा तो उसका सारा फायदा जाता रहेगा जिक्र कर और तन्हाई में करोगे तो तुम्हें कुछ देख ही नहीं रहा तुम्हें कुछ सुन ही नहीं रहा सिवाय उसके जो जिसको सुनाना मकसूद है असमा तुम नाज़ सिद्दीक अकबर तुन ने कहा था सूर्य करीम सल्लम तज़द के वक्त में देखा मेरे साहबा कैसे पढ़ रहे हैं तो सिद्दीक अकबर तुन को देखा बहुत आस्ता से आस्तक पढ़ रहे थे और फारुक़ आजम जो है धूल से पढ़ रहे थे पूछा कि फारूक आजम से पूछा कि भाई क्यों इतने जोर से पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ओकदुलबसनान शैतान मैं सोते को जगाता हूँ शैतान को भगाता हूँ तो और सिद्धिक अकबर से पूछा भाई क्यों इतने ऐसा पढ़ते हो क्या आसमातु तू बनना जाए जिससे मुझे सरगोशी करनी थी वो कर ली उसको सुना दिया बस वही काफी है तो दोनों की शान है अपनी अपनी हजूर अकबर सल्ला ने फरमाया उसे मेरी शान भी शामिल कर लो वो क्या तुम थोड़ा सा बढ़ा दो तुम थोड़ा सा घटा दो बड़ा तजर भी सलाती का बड़ा तो खाफ बिहार अब तक ही बना डाली का सभी तो असल बात जो है वो ज़िक्र में जो असल है वो ये है कि तन्हाई में हो अपने अल्लाह को तन्हाई में याद करें इसीलिए हदीस में आता है कि जो सात आदमी बताए हैं ना कि जो अर्श के सये में होंगे उनमें से एक ये है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करे तन्हाई में और उसके आंख से आंसू आते तन्हाई में जिक्र करे आंख से आंसू टपक पड़े वो अल्लाह के अरश के साहब में होगा भजबे में कर रहा है और उसमें आंख से आंसू आ गए पता नहीं हंसरी थे कि बराबरी थे अल्लाह के लिए थे या अपनी अल्लाह के साथ कुर्बत दिखाने के लिए थे तन्हाई में करे फिर उसके आंख में आंसू आ गए तो ये है पहला बात तो ये होगी वक्त को रब्बा का फिर नफ्स का अब कैसे जिक्र करो तजर दो तरीके बताए तजर बखी बतन बदून जहरे में तीन बातें एक तो क्या करो तजर जिक्र करो तजर आजिजी के साथ क्योंकि जब तुम अल्लाह जल्ला जलालु का जिक्र करोगे तो अल्लाह जल्ला जलाऊ का ज़िक्र अगर तुमने ध्यान से किया तो उसकी आज़मत सामने आएगी उसकी किबरियाई सामने आएगी उसका जलाल सामने आएगा उसका जमाल सामने आएगा तो जब उसकी अजमत और किबरियाई का तसव्वुर के साथ जिक्र कर रहे हो तो फिर जब अपने आप को देखोगे उस किबरियाई के मुकाबले में उस अजमत के मुकाबले में उस जलाल के मुकाबले में उस जमाल के मुकाबले में अपने कर, कर आप को तो बेहकीकत नजर आओगे उस बेहकीकत नजर आने का नतीजा यह होगा कि तजर रुहान अब आज भी पैदा होगी इतने बड़े हैं मैं क्या करूं मैं कैसे आपकी सना करूं मैं कैसे आपकी हमद करूं मैं कैसे आपका जिक्र करूं तो तजरों जो है जिक्र अगर सही माना में हो अल्लाह तबारक मतलब का तो तजर उसका की नतीजा है आज ही वो कहा और मैं कहा मैं किसका जिक्र कर रहा हूं किस जलाल जमाल वाले का कर रहा हूं जिस किबियाई वाले का कर रहा हूं जिस अजमत वाले का कर रहा हूं और मेरी हकीकत क्या है तो तजर आज ही पैदा हो तो एक जिक्र की सिबत बयान फरमाई जिक्र करो तजर रुहान आजी के साथ दूसरा बात और डर के साथ खीफा जो है ये खौफ के बारे में यानी आजी के साथ खौफ भी खौफ किस बात का खौफ इस बात का कि मैं उसका जिक्र कर रहा हूं मैं हूं भी इसका भी तो उसका नाम लो और उसके जिक्र में उसका जिक्र जिस अजमत के साथ होना चाहिए जिस तकदीश के साथ होना चाहिए और जिस और खुशू के साथ होना चाहिए वो तो मुझसे बन नहीं पा रहा न बन पाएगा बेहद डरता हूँ कि यह जिक्र नहीं होगा तो बजाय इसके के जिक्र करने के बाद दिमाग आसमान पे पहुंच जाए कि मैंने तो इतना ज़िक्र किया अल्लाह का इतना ज़िक्र किया मैं इतना बड़ा जाकिरन में शामिल हो गया उसके बजाय उसके दिल में खूब आएगा कि ज़िक्र हुआ भी कि नहीं हुआ हाक़दा हुआ या नहीं हुआ ये जिक्र मेरे लिए आखिरत का जख़ीरा बनेगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी के ज़रिए मैं अल्लाह बचाए किसी गुमराही के घरे में जा गिरूँ तो वक्त रब्बका भी का कल राम बखीब है आज जी से गड़गड़ा कर और ख़ौफ के साथ अपने वार को तन्हाई में याद करो तन्हाई में उसका ज़िक्र करो क्या क्या इसमें अल्लाह तबारक तारा ने क्या क्या मानी पोशीजा रखे हैं क्या महारी पर क्या असरार है वही जानते हैं लेकिन दर हकीक़त यह ईमान का जो खुलासा है उम्मीद और भी उम्मीद और खौफ अल ईमान बिन खौफी पर रजा बारे ताले के रहमत तो से उम्मीद भी है अपने हालात से खौफ़ भी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो एक तो इसलिए फरमाया तो वाक़ है तीसरी सिफत यह बयान फरमाए जिक्र की बिन बन बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से नहीं जिक्र बहुत आला बहुत ज़्यादा ज़ोर से करना पसंद है मना कर दिया वैसा मत करो कि चीख पकार करके जिक्र करो एक मतलब रसूल करीमल तशी थे कस्बे में तो साहब के ने तकबीर रोज़ रोज़ से पढ़नी शुरू कर दी आपने फरमाण न करो ना असम तुम किसी बहरे को तो नहीं पुकार रहे किसी ऐसी रात को तो नहीं पुकार रहे जो मौजूद ना हो जो इतने चेक चेक का पुकार रहे तो जिक्र बड़े बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज से साफ साफ कह दिया कुराना वह दोजाह में करो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज से ना करो अल्लाह का जिक्र दरमियाने रहो यहाँ ये बता दिया कि जहर भी जायज़ तो है यानी सुनी जाने वाली आवाज़ से जिक्र करना फिर नफ्टी जायज़ तो है लेकिन अफजल नहीं है अफजल क्या है आहिस्ता। इसमें किसी का अख्तार नहीं है। के ज़िक्र में अफ़ल ज़िक्र सिर है ज़िक्र जहर अफजल नहीं लेकिन जायज़ है और बाज़ मतबा इसलिए पसंदीदा करार दिया जाता है कि बंदे को शुरू में ज़िक्र से कुछ मुनासिबत हो जाए तो इस वजह से लोग तब तजवीज़ करते हैं कि भाई तरह बुलंद आवाज़ से कर लें लेकिन मकसूद नहीं है बरंदावा मकसूद तो असमातु बनना जे वो है कि तो मैं बस अल्लाह मैं हूं और मैं अल्लाह तो जून जहरी बिल कऊर बिलगुतु बिबल आसाल ये जो जिक्र करो ये सुबह भी करो और शामों में करो सुबह भी और शामों में शाम नहीं शामों में अब इसके दो मतलब हो सकते ऐसे तो ये कि ख़ास की अहमियत बयान करने मकसूद है तो यूँ तो ज़िक्र हर वक्त होता है लेकिन ये दो वक्त ऐसे हैं एक सुबह का और एक शाम का जिसमें आलम में इनकलाब आ रहा होता है सुबह का वक्त है अंधेरे से रोशनी आने वाली है रात से दिन आने वाला है सोने से जागना आने वाला है परिंदे भी सोकर उस वसत उठेंगे चाह चाहेंगे अल्लाह की तस्वीर करेंगे तो एक तो वो बख्श वसूस अल्लाह को ज़िक्र का अल्लाह के याद करने का दूसरा इन खराब शाम को आता है दिन जा रहा होता है रात आ रही होती है रोशनी जा रही होती है अंधेरा आ रहा होता है जो परिंदे सारे ज़िंदगी सारे दिन अपने रोज़ी तराश करते हुए गुजरी थी वो आके अपने अपने ठिकानों में पहुँच जाते हैं खुद इंसान की तबीयत जो है वो अब जागने के बजाय सोने की तरफ मायल होती है तो इनकलाब आ रहा होता है एक इनकलाब सुबह आता है एक इनकलाब शाम आता है तो इन इनकलाब के मौाक़ पर ख़ास तौर पर नाम जिक्र कर रोकने पड़ते जा और मुहावरे में अगर इसको देखा जाए तो ये दबाम पर भी दर्द करता है यानी जब कहते हैं सुबह शाम ये काम कर रहा है क्या माना उसको हमेशा कर रहा है हर वक्त कर रहा है तो इसके एक माने ये भी है कि बिलगुजु भी बल आसाल बला तक गाफिले और गाफिलों में से ना होना क्या मतलब जो अपने पूरा दिगार का या का जिक्र नहीं करता आजी के साथ खौफ के साथ सुबह को और शाम को या दमाम अवत में कहीं जिक्र करता ही नहीं तो वो गाफिल है और तो गफिल तो है तो उन गाफिलों में शामिल ना होना और ये वही बात है जो मैं अभी थोड़ी पिछले के की इबादत कर रहा था कि इबादतें अपनी जगह जो फ़र्ज वाजिब सुन्नत मुस्ताब जो भी इबादतें वो अपनी जगह लेकिन आम हालात में जबकि अल्लाह त इजाज़त दी है दुनिया के काम करने की उसमें भी गफलत ना होनी चाहिए इसलिए कहा गया है कि दशर से ज़िक्र किया करो क्योंकि आदमी नमाज पढ़ के समझा कि बस हो गया मेरा जो कुछ अल्लाह ताला से ताल्लुक था वो पूरा हो गया अब इसके बाद बस मैं आज़ाद हूँ दुनिया में जो चाँ करूँ इसका नाम गफलत है अरे दुनिया की एक एक चीज़ में तुम्हें अल्लाह के जलवा नज़र आना चाहिए और उसकी वजह से तुम्हें हर हर कदम पर अल्लाह के ज़िक्र होना चाहिए तुम्हारे दिल में भी तुम्हारी जबान पर गला तक मैं भाती फिर फरमाया कि इंदीन रब इबादत ही यू सभ्य हूँ न हो वह यूँ जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो ना उसकी इबादत से तकबुर करते हैं तकबर करके मुँह नहीं मोड़ते उसके जवाब और उसकी तस्बी करते रहते हैं और उसी के आगे सजदे करते हैं आम तौर से तो ये कहा जाता है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं का जो तुम्हारे पास हैं यानी कौन है फरिश्ते उनकी सिफात बयान की गई है कि वो अल्लाह की इबादत से तकबर करके आराज नहीं करते और दम उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उसी को सजदे करते रहते हैं। लेकिन बहुत से हज़रा अहले दिल ने यह फरमाया कि ये फरिश्तों के साथ मखसूस नहीं बल्कि जो तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं जिनको परवरदिगार का कर्फ हासिल है वो चाहे फरिश्ते हों क्या हो, वो भी अल्लाह के पास हैं फ्लदीना इंदर रबी का जो तुम्हारे के पास है रिश्ते नहीं है, चाहे इंसान है लेकिन अपने जिक्र फिक्र के ज़रिए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के ज़रिए वो ऐसे हैं जैसे पास बैठे अल्लामिया के फल्लना इन इंदा रब्बी का तो उनका हाल भी यही होता है क्या ना उनमें तकबर आता है ना वो इबादत से रू गर्दानी करते हैं और अल्लाह की तस्वीर करते रहते हैं और उसके आगे से दहरेज होते रहते हैं यह है, है मंजिल बंदे की जो आखिर में बयान करें बंदे की मंजिल क्या है गफलत दूर करे जिक्र रखे अल्लाह का आर्जी के साथ खौफ के साथ सुबह शाम और गाफ़ी गफलत से बचे और अल्लाह की तस्बी में उसके आगे से देश होने में अपनी ज़िंदगी गुजारे अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़िक फरमाये आयता सजदा है भाई सब तो सजदा कर लेना